सर ये आपने कहा था कि जो पूरे लैरिंग्स में जो रिंग फॉर्म करता है कंप्लीट, वो सिर्फ एक कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये वाला कार्टिलेज होगा ना, क्रिकॉइड कार्टिलेज। अच्छा, और सर आपने कहा था रीमा ग्लॉटिस जो होता है वो नैरोस्ट पॉइंट होता है जो पूरे लैरिंग्स में, सबसे ज़्यादा नैरोस्ट पॉइंट जो बंद होने पर आ जाता है। सर इस पर रीमा ग्लॉटिस हमें शो हो रहा है, कौन सा होगा? ये जो नैरोस्ट पॉइंट है। अच्छा, ये जो हमें अंदर ये दिख रहा है, दो टू वोकल कॉर्ड्स के दरमियान में दिख रहा है, टू वोकल कॉर्ड्स के दरमियान में। उसके बाद सर आपने कहा था कि एक्सटेंसिक पिक्चर खोला है, वो जो सेंड की थी जामी में नहीं हो रही। अच्छा चलो छोड़ो, एक्सटेंसिक में एलिवेटर मसल को हम सुपरा हाइड मसल्स कहते हैं, और उसके अंदर हमारे पास थायरोहाइड मसल, डाइगेस्ट्रिक, स्टर्नोहाइड मसल, मोनोहाइड मसल, और जीएच से क्या होगा, गोनोहाइड मसल, और ये एस डी एच और पी डी एच, साइनोफ्रेंजियस मसल और प्लेटोफ्रेंजियस मसल और स्प्लिंगोफ्रेंजियस मसल। ठीक है, तो ये सुपरा हाइड यानी हाइड बोन से सारे मसल ऊपर तक जा रहे हैं इसलिए, और डिप्रेसर को हम इंफ्रा हाइड मसल कहते हैं जो लैरिंग्स को डिप्रेस करेंगे, लेकिन है वो एक्सटेंसिक ही। उसमें हमारे पास आ जाएगा स्टर्नोहाइड मसल, स्टर्नोहाइड मसल और ओमोहाइड मसल, स्टर्नोहाइड और ओमोहाइड मसल। तो ये सर ये आ गया एक्सट्रिंसिक के, और सर इंट्रिंसिक में आपने कहा था कि इंट्रिंसिक का दो ही रोल होते हैं बड़े, फोनेशन यानी साउंड प्रोड्यूस करना और पिच से रिलेटेड करना काम, और इसमें आपने कहा था 7 से 8 मसल आते हैं जो क्रिकोथायरॉइड मसल, थायरोरेटेनॉइड मसल, लेटरल क्रिकोइड मसल और मीडियन थायरॉयड मसल, और ये जितने भी अंदर लैरेंस के अंदर आपस में जो भी जितने मसल अटैच करें वो इंट्रिंसिक में आ जाएंगे। उसके बाद सर आपने कहा था कि क्रिकोथायरॉयड मसल वाहिद मसल है पूरे लैरिंग्स में जिसकी सप्लाई अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर, वो है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, और बाकी सारों की है इन्फीरियर लैरिंजियल नर्व, ये इंटरनल क्या कहेंगे इसको हम, रिकरेंट कहेंगे। अच्छा अब ये थोड़ा क्लियर, रिकरेंट और क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ सेम नहीं है, रिकरेंट और इन्फीरियर लैरिंजियल नर्व ये सेम है और इंटरनल डिफरेंट है। वो सर अब आपने एक चीज़ बनाई है ना सर, ये थोड़ी एक्सप्लेन कर दें, वो जो आपने इंटरनल के आगे आपने सेंसरी लिखा है, इंटरनल कहीं और है, इंटरनल छोड़ दो, पहले सुपीरियर इंफीरियर करो, ठीक है? अच्छा, सुपीरियर डिवाइड होती है एक्सटर्नल और इंटरनल में, एक्सटर्नल मोटर नर्व है और जो सुपीरियर की दूसरी ब्रांच है इंटरनल, वो सेंसरी नर्व है, और सुपीरियर की अपने फिर जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अच्छा, सुपीरियर और रिकरेंट दोनों वेगस से निकल रही हैं। अच्छा ठीक, और तो फिर से जो क्रिकॉइड को जा रही है, क्रिकोथायरॉइड को जा रही है, वो एक्सटर्नल जा रही है जो सुपीरियर की ब्रांच है। अच्छा, और जो बाकियों को जा रही है वो रिकरेंट जा रही है जो वेगस की सेकेंड ब्रांच है, जिसे इन्फीरियर भी कहते हैं, जिसको इन्फीरियर भी कहते हैं। ठीक, इसकी मैं एक मिनट पिक्चर ले लूँ ना, ये यस ठीक है सर, क्लियर है ये वाला। अच्छा, और सर आपने कहा था कि अगर क्रिकोथायरॉइड जिसकी ब्रांच एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है ये अफेक्ट हो जाएगा तो हमारी लो पिच वॉइस और हैवी वॉइस हो जाएगी और लो पिच हो जाएगी, मतलब ये दो फैक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे। लोब से ये क्रिकोथायरॉइड मसल अगर एक्सटेंशन लैरिंजियल नर्व अगर अफेक्ट हो जाएगी, सिर्फ ये वॉइस मसल इसकी नर्व अगर अफेक्ट हो जाए तो हमारी हैवी वॉइस हो जाएगी और लो पिच हो जाएगी, बाकियों के साथ ऐसा केस नहीं है। और ये जो है ये वोकल कॉर्ड को ज़्यादा सख्त टेंस कर देता है, और सिर्फ ये ही है ना जो टेंस करता है, बाकी तो ऐसे तो आप रिलैक्स करते हैं। अच्छा सर, दूसरा था सर क्रिको अरिटेनॉइड मसल। अच्छा ये सर साथ साथ अगर मैं इधर भी करता रहूँ, क्रिको थायरॉयड मसल सर ये, अच्छा ये वाला पूरा मसल है क्रिकोथायरॉयड मसल, इसका फंक्शन भी हो गया। अब क्रिको अरिटेनॉइड मसल सर, अरिटेनॉइड तो ये है ना, दो ट्रांसवर्स और ओब्लिक अरिटेनॉइड इधर है, तो क्रिको अरिटेनॉइड तो जो ये कौन से वाले होंगे फिर, क्रिको अरिटेनॉइड कौन से वाले, क्रिको अरिटेनॉइड दो नहीं होते, लैटरल और, हाँ आपने बताया था लैटरल जो होता है वो एडिशन यानी एडक्ट करता है वोकल कॉर्ड्स को। अच्छा ये है लैटरल, और जो है पोस्टीरियर जो एबडक्शन अवे कर लेके जैसे। अच्छा ये सारा सर, ये अच्छा ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री, ठीक है ये हो गया, और इन दोनों के ऑपोजिट फंक्शन हैं, एक लैटरल जो है वो एडिशन एडक्ट कर रहा है वोकल कॉर्ड्स को आपस में मिला रहा है, और जो पोस्टीरियर है वो एबडक्शन कर रहा है, और ये पोस्टीरियर वाला ही वो है सेफ्टी मसल फॉर द लैरिंक्स। यस सर, इसका मैं साथ क्लियर कर लेता हूँ, इसको सेफ्टी क्यों कहते हैं, मतलब बाकी भी तो क्योंकि यही सिर्फ ओपन कर रहा है आपके, बाकी सारे क्लोज कर रहे हैं, यानी बाकी सारे ओपन नहीं कर रहे, ओपन नहीं कर रहे, कुछ टेंस कर रहे हैं, कुछ लूजन कर रहे हैं, कुछ क्लोज कर रहे हैं, लेकिन ये ओपन। अच्छा अपना मोबाइल लगा के रखो, मेरे टाइम देखना चाहता हूँ अगली क्लास की। अच्छा, और बहुत टाइम
वो सर वो थोड़ी और भी चीज़ें। अच्छा सर, अरिटोनॉइड मसल है इसके बाद। अरिटोनॉइड तो दो ही है ना, ये एक से जो बना हुआ है ऑब्लीग और इसके पीछे ट्रांसवर्स, ठीक है, उसके दो टाइप से। और आपने कहा था दोनों का एक ही फंक्शन है, ऐड करना, एडिशन एडक्शन यानी, और ये रीमा ग्लॉटिडिस यानी जो स्पेस बिटवीन द ट्रू वोकल कॉर्ड्स को ख़त्म करता है, वोकल कॉर्ड्स को आपस में बंद करता है। और आपने कहा था सर दो मसले जो अपोजिट हैं एक दूसरे के, थायरो अरिटोनॉइड जो शॉर्ट और रिलैक्स कर रहा है वोकल कॉर्ड को, और जो क्रिको थायरॉयड मसल है ये इसके बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है, ये टेंस कर रहा है वोकल कॉर्ड को, और इसको टेंस कर रहा है और इसको लेंथन कर रहा है, खींच रहा है, ये दोनों अपोजिट काम कर रहे थे। और अरिटोनॉइड मसल हो गया। अब वोकैलस मसल, सर वोकैलस के लिए तो इसको खोलना पड़ेगा ना, वोकैलस जो हमने वहाँ पढ़ा था, ये रेड वाली जो लाइन है ये तो फॉल्स वोकल कॉर्ड है ना वेस्टिब्युलर, और ये नीचे ब्लू वाला है जो ये ट्रू वोकल कॉर्ड है, तो ट्रू वोकल कॉर्ड के साथ ही, ट्रू वोकल कॉर्ड के साथ, एक मिनट फोन पकड़ लूँ सर, ये ट्रू वोकल कॉर्ड के साथ ये जो ब्लू लाइन इसके अंदर इधर होगा ना, पिक्चर में ऐसे ही दिखा था, अच्छा ये वाला ना, ये तो ऊपर है ना, ये नहीं जो अंदर, यस सर ये वो कैलस मसल हो गया। उसके साथ ये ऊपर वाला था, ये कौन सा था, इसका भी नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे इसका नाम आगे आ जाएगा, यस थायरोरिटोनॉइड है, यानी सर वोकल कॉर्ड्स उसके साथ वोकैलस मसल, वोकैलस के साथ फिर बाहर की तरफ लैटरली सुपीरियर थायरोरिटोनॉइड, ठीक है सर। और सर आपने इसका ये कहा था कि जो, हाँ सर आपने कहा था ये एक्सटेंशन है थायरोरिटोनॉइड की, एक्सटेंशन है क्योंकि ये उसी से वो अब साथ लगा हुआ है, उसी से निकल के आ रहा है, नीचे जाके बस ये यहाँ पे वो कैलस है, यस। और सर आपने ये कहा था कि जो इसका इंटीरियर पार्ट है इस मसल का, वो वोकल कॉर्ड्स को टेंस कर देगा, लेंथन कर देगा, और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है वो वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स कर देगा, तो ये भी एक तरह से माइनर रोल प्ले कर है ना वो टेंस करने में, टेंस करने में माइनर रोल प्ले कर, लेकिन मेजर वो क्रिको थायरॉयड का ही है। फिर एरी एपिग्लॉटिक मसल, एरी इसको ज़रा जोड़ना यार, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड तो ये दो है ना सर, तो ये दो हैं, तो एरी एपिग्लॉटिस मसल हमें, अच्छा एरी एपिग्लॉट सर, ये थायरो अरिटोनॉइड मसल नहीं है क्योंकि ये अरिटोनॉइड से लेके थायरॉइड तक जा रहा है, अच्छा इसको हम थायरोरिटोनॉइड कह रहे थे ना, ये मिस्टेक करेक्ट होनी है, ये एरी एपिग्लॉटिक मसल है, और फिर थायरोरिटोनॉइड फिर कौन सा होगा, वो फिर अंदर से शायद जाए, अच्छा थायरोरिटोनॉइड ये, ठीक है, और बस यही है। और उसके बाद आपने कहा था एरी एपिग्लॉटिक मसल, हाँ सर ये वायद मसल है जो स्वॉलिंग में फूड को ट्रेकिया से जाने से प्रिवेंट करता है, लेकिन इसका मेजर रोल, मेजर रोल है, मतलब एपिग्लॉटिस से भी ज़्यादा इसका रोल है, हाँ एपिग्लॉटिस के फिजिकल वो तो फिजिकल करता है, ये अंदर से दोनों के दौरान स्पेस बंद कर देता है एरी एपिग्लॉटिस। प्रोट्रैक्शन ऑफ इनलेट ड्यूरिंग स्वॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय स्फिंक्टरिक एक्शन ऑफ एरी एपिग्लॉटिक मसल्स, स्फिंक्टर को इस तरह बंद कर देता है, स्फिंक्टर की तरह बंद, यानी वो जो दरमियान में जो रीमा ग्लॉटिडिस है उसको बंद कर देगा, रीमा ग्लॉटिस अलहदा बंद, अच्छा सेकेंड स्फिंक्टर इज क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस, इसके ऊपर से बंद करेगा, अच्छा रीमा ग्लॉटिडिस के ऊपर एक जो ओपनिंग है ग्लॉटिस की उसको ही बंद करेगा, ठीक है सर ये क्लियर हो गया, सही है। और इसका यही मेन रोल था, यस। बाकी सर वो एक थोड़ा सा ये है कि वेगस नर्व है, वेगस से वो तो क्लियर हो गया ना, वेगस से आ गया ये रिकरेंट, फिर रिकरेंट को इन्फीरियर कह दिया, इन्फीरियर सुपीरियर, रिकरेंट के साथ दूसरी ब्रांच है सुपीरियर, सुपीरियर के आगे एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल मोटर है, इंटरनल सेंसरी है, और जो एक्सटर्नल है जो मोटर है वो सिर्फ क्रिकोथायरॉयड को दे रही है, और जो रिकरेंट है वो सारों को दे रही है एक्सेप्ट क्रिको, अच्छा ये भी हो गया। इसके बाद सर यस सर ये वाला पॉइंट लिगामेंटम आर्टेरियोजम, आपने कहा था सर कि जो ओर्टा है और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपस में लिगामेंटम आर्टेरियोजम से कनेक्टेड है, तो जहाँ ये कनेक्टेड है उसी के साथ लेवल पे लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आएगी, उधर से ओरिजिनेट करेगी, यस सर वो वाली डायग्राम बना देंगे सर, वो डायग्राम मिट गई है, वो मैंने वो बोर्ड वाली डायग्राम थोड़ी समझ आ गई थी, वो लेफ्ट आ रही है राइट आ रही है फिर लेफ्ट से, ये एक वेगस आ रही है,
ये दूसरी वे के साथ आ रही है, वो राइट वाली है ना सर? अच्छा ये लेफ्ट है, ये लिगामेंट आर्टेरियोसम पड़ा है। अच्छा ये है, ये किसी एओर्टा और आपने सर एक बात कही थी लेफ्ट सीधी आएगी राइट ये थोड़ी सी सीधी आती है, वो छोड़ दो। अच्छा यूँ आ रही है, यस ये यहाँ पे जो ब्रांच है लिगामेंटम आर्टेरियोसम के साथ उसने ब्रांच दे दी, यूँ करके यूँ ट्रैवल कर रही है और ये यहाँ पे निकल, और ये जो ऊपर करके निकल रही सारी ब्रांचेज ये सारी लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स हैं, ये एक ही है बस, एक ही है। अच्छा सिर्फ ये एक है लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल, ये यहाँ से आ रही है। अच्छा सर समझ गया, ये राइट ये आ रही है, ये राइट, ये कौन सी आ रही थी ऊपर से? वेगस, हाँ राइट वेगस नर्व, और ये है सबक्लेवियन, सबक्लेवियन रूट पे यूं करके ऊपर, और ये कौन सा था ये सेक्स, हाँ तो ठीक है ठीक है, इधर से दोनों ऊपर चली गई, सही सर। तो ठीक है, तो सर आपने कहा था अगर मसला है लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व में अगर लीजन आ जाए तो सारे मसल्स अफेक्ट होंगे एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड मसल, क्योंकि क्रिकोथायराइड के एक्सटर्नल से आना, लेफ्ट या राइट में आए जिस साइड पे आएगा उस साइड के मसल खराब हो जाएंगे, एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड मसल। ठीक है, तो चाहे लेफ्ट हो या राइट हो वो जो रिकरेंट है अगर उसमें लीजन आता है तो सारे मसल अफेक्ट होंगे एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड मसल, क्योंकि उसका जो उसकी ब्रांच है वो एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल सुपीरियर से लिंक्ड होकर वेगस से हो रही है, यस। और आपने कहा था कि अगर रिकरेंट में मसला है तो जब सारे मसल अफेक्ट होंगे एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड तो हॉर्सनिंग रेस्पी यानी रफ वॉइस ज़्यादा आ जाएगी, ये एक सिम्टम होगा। और ये यूनिलैटरल है मतलब दोनों वोकल कॉर्ड में सिर्फ एक वोकल कॉर्ड ख़राब हो, या शायद ये वाली अफेक्ट होगी राइट या लेफ्ट, ठीक हो। अगर बायलेटरल होता है दोनों वोकल कॉर्ड अफेक्ट होते हैं तो ब्रीथिंग में मसला आएगा, फ़ौरन डेथ हो जाएगी, डेथ पता लग जाएगा ब्रीथिंग में मसला आ जाएगा। और रिकरेंट में सारे मसल है और एक्सटर्नल, ये सही है सर, ये क्लियर है। सुपीरियर लेरिंजियल नर्व वो तो ठीक है, वो पिक्चर से क्लियर है। वेगस सेंसरी ऑल सेंस, यस सर ऑल सेंसरी सप्लाई जो है मतलब क्रिकोथायराइड को मिलाकर सारी सेंसरी सप्लाई मसल, सर तो मसल है ना सेंसरी, yes. तो म्यूकोसा की होती है, नहीं सेंसरी मसल की सप्लाई नहीं होगी, मसल में क्या सेंसरी सप्लाई? अच्छा सेंसरी यानी सबक्यूटेनियस जो अंदर सारी कैविटी है उसकी म्यूकोसा है ना, यस म्यूकोसा, माउथ के अंदर सारी म्यूकोसा है, यस इसी तरह वो भी कैविटी है उसकी भी अंदर म्यूकोसा है, हाँ उसकी सारी की सप्लाई जो है सेंसेशन की, तो उसमें क्रिकोथायराइड के साथ जो भी कैविटीज है वो भी आएंगी अगर हैं, अंदर जो पूरी कैविटी है ना पूरे लेरिंक्स की सारी कैविटी, सारी कैविटी उन सारी लेरिंक्स की सारी कैविटीज की जो सेंसरी सप्लाई है वो वेगस के पास है, और वेगस पीछे जाके पैरासिम्पथेटिक में लगती है ना, यानी वेगस पीछे जाके उसके अपने न्यूक्लियस होते हैं ब्रेन स्टेम में सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा सर उसके बाद ठीक, सुप्राग्लॉटिस इंफ्राग्लॉटिस और ग्लॉटिस इटसेल्फ, आपने कहा था सर सुप्राग्लॉटिस को हम कहते हैं अपर डीप सर्वाइकल कहते हैं या कुछ, मतलब वहाँ पे हाँ अपर डीप ड्रेनेज होती है, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, और इंफ्राग्लॉटिस में अलग से उनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है जिसको हम इंफ्रा डीप सर्वाइकल कहते हैं, और जो ग्लॉटिस इटसेल्फ है जो पूरा ग्लॉटिस है वो खुद उसकी कोई सप्लाई नहीं होती, वो खुद वाटर शेड रीजन है, ग्लॉटिस में जो वोकल कॉर्ड है स्पेसिफिकली वोकल कॉर्ड्स फॉल्स वाले नहीं सिर्फ ट्रू, अच्छा जो सिर्फ ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं कोई डर, और आपने कहा था वाटर शेडेड रीजन है तो वाटर क्यों कहते हैं, मतलब इसमें कोई वाटर वाटर का ताल्लुक नहीं है, वाटर शेड एक नहीं, वाटर शेड एक इंग्लिश का वर्ड है, वो कोई मखसूस करेक्टरिस्टिक की वजह से दिया, वाटर शेड का मतलब है कि जंक्शन है, अच्छा वाटर शेड यानी सही है जंक्शन बिटवीन द टू, उधर से ऊपर वाली सारी आ रही होती है नीचे वाली आ रही होती है, अच्छा लेकिन जहाँ मीट करते हैं उधर दरमियान में कुछ भी नहीं है, अच्छा जहाँ मीट करें वहाँ वोकल कॉर्ड वाला एरिया उसको वाटर शेड कह दिए, ठीक है जंक्शन की। और सर इसका जो क्लिनिकल आपने बताया था कि जो नोट्स का ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कैंसर होता है तो ये सब ज़्यादा स्वेल हो जाएंगे हमें फ़ौरन पता लग जाएगा, तो मेन क्लिनिकल इसका कैंसर हो गया, और थायरोडेक्टमी अगर थायराइड में अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई नर्व अफेक्ट हो सकती है, दोनों हो सकती है सुपीरियर भी हो सकती है रिकरेंट भी हो सकती है, सुपीरियर भी हो सकती है रिकरेंट भी हो सकती है, ठीक यानी सारे मसल हो सकते हैं, ठीक है कोई भी हो सकती है डिपेंड करता है आगे प्रेजेंटेशन के, अगर सर सुपीरियर होती है तो फिर वही बात होगी कि हाई पिच का मसला, हाई पिच का मसला हो जाएगा, और जब आपने कहा था लॉस ऑफ हाई पिच को कौन सी साउंड कहते हैं, ओमोटनस मोनोटनस साउंड मोनोटनस टोन यानी लॉस ऑफ हाई पिच,
अगर क्रिकोथायराइड का मसला आ जाए, यानी अगर सुपीरियर में मसला आ जाए, ठीक है सही हो गया। और सर आपने कहा था आइट्रोजेनिक इंजरी, अगर हम अगर मैं इसकी सर्जरी कर रहा हूँ, मैंने इसकी आर्टरी काट दी है, तो इसको आइट्रोजेनिक इंजरी कहेंगे ना, यानी मेरे से खुद इसको मसला हुआ है। और यूनिलैटरल में आपने कहा था हॉर्सनेस और पिच का मसला है, बायलैटरल में ब्रीथिंग का मसला है, और राइट नहीं है बस। अच्छा ठीक है, अब आखिर में यस सर ब्लड सप्लाई है, मैं आखिर में सही से नहीं नोट कर पाया, ये ज़रा बता दें सर, ये सुपीरियर थायराइड से आपने एरो लगाया था, सुपीरियर के साथ लारेंजियल आर्टरी, इंफीरियर थायराइड से इंफीरियर लारेंजियल आर्टरी। अच्छा सुपीरियर लारेंजियल आर्टरी, इंफीरियर लारेंजियल आर्टरी। अच्छा सुपीरियर थायराइड पीछे किस तरह लिंक्ड होगा? थायराइड आर्टरी जी पीछे, अगर हार्ट तक जाऊँ। सुपीरियर थायराइड आर्टरी मेरे ख्याल है ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड की। एक्सटर्नल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड ओटा, एक्सटर्नल कैरोटिड से कॉमन कैरोटिड से। अच्छा एओटा कॉमन कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड उसे सुपीरियर थायराइड, और सुपीरियर थायराइड सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ जो उसके आगे ब्रांच है सुपीरियर लारेंजियल आर्टरी, और सुपीरियर थायराइड से आगे ब्रांच है सुपीरियर लारेंजियल आर्टरी, और इंफीरियर थायराइड या थायरो सर्वाइकल ट्रंक से आती है जो कि सब क्लियर होती है। इंफीरियर थायराइड थायरो सर्वाइकल ट्रंक, और वो ओल्ट्रा से आता है एओटा सब क्लेवियन। अच्छा सब क्लेवियन एओटा सब क्लेवियन, और कौन सा ट्रंक था थायरो सर्वाइकल ट्रंक, उसे इन्फीरियर थायराइड, और इन्फीरियर थायराइड से इन्फीरियर लारेंजियल आर्टरी। अब सुपीरियर लारेंजियल आर्टरी के साथ आपने कहा था इंटरनल लारेंजियल नर्व आती है, ट्रेवल होती है, और इंफीरियर लारेंजियल नर्व आती है, इंफीरियर लारेंजियल आर्टरी के साथ आपने कहा था इंफीरियर लारेंजियल नर्व ट्रैवल करती है या रिकरेंट, और उसके बाद आपने कहा था जो वेन सप्लाई है वेनस वो इस तरह के, जिस तरह ये आर्टरीज के नाम है उसी तरह इनको अपोजिट कर दो, तो लेकिन आपने फ़र्क बताया था ये इन्फीरियर थायराइड वेन आर्टरी में जाता है, वो मिडल थायराइड वेन में जाता है। मतलब सर इसे पाथ से ज़रा बता दे वेन का, बस यही सिर्फ फ़र्क है क्या, मिडल थायराइड वेन से आगे उसी में जाएगा मिडल थायराइड वेंस, इससे वो वीनस प्लेक्सस में जाता है, वहाँ से इंटरनल एक्सटर्नल जगुलर वेंस और इधर से होकर। अच्छा और बाकी जो उसका सुपीरियर थायराइड है वो तो सेम ही है। ठीक सर ये ब्लड सप्लाई भी होगी, ठीक है ये आज का लेक्चर हो गया।